विष कन्या यानी पॉइजन गर्ल। क्या आज के ज़माने में ये पॉसिबल है कि किसी इंसान को जहरीला बनाया जा सके? आपने विष कन्या शब्द ज़रूर सुना होगा। इनफैक्ट विष कन्या नाम सुनकर आपको टीवी सीरियल की याद आ सकती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि असल ज़िंदगी में भी विष कन्याएँ होती हैं। विष कन्या एक ऐसी लड़की होती है जिसके शरीर के अंदर पॉइजन होता है। ऐसा नहीं है कि ये जहर जन्म से ही उनके शरीर के अंदर होता था, बल्कि विष कन्या एक नॉर्मल गर्ल होती थी जो लॉन्ग ट्रेनिंग के बाद विष कन्या बनाई जाती थी। अब विष कन्या को लेकर आपके मन में काफ़ी सारे सवाल आ रहे होंगे कि विष कन्या किस लड़की को बनाया जाता था, विष कन्याओं को कैसे बनाया जाता था और आखिर विष कन्याओं को क्यों बनाया जाता था। तो चलिए फिर जानते हैं आज की इस वीडियो में पॉइजन गर्ल की पूरी मिस्ट्री। दरअसल विष कन्या बनाने के लिए लगभग 2 से 3 साल की बच्चियों को चुना जाता था। इन बच्चियों को ऐसे जहर की डोज दी जाती थी जिसका प्रभाव धीरे धीरे चढ़े, उनका शरीर धीरे धीरे उस जहर को एक्सेप्ट करना लगता था और फिर उनके अंदर जहर बनना शुरू हो जाता था। इन बच्चियों को बचपन से ही जहरीले जीवों के साथ रखा जाता था। इनमें से अधिकतर बच्चियों की कम उम्र में ही मौत हो जाती थी क्योंकि उनका शरीर उस जहर को सहन नहीं कर पाता था। लेकिन कुछ ऐसी लड़कियां भी होती थी जिनका शरीर उस जहर को स्वीकार कर लेता था और फिर वो किसी को भी अपने जहर से ख़त्म कर सकती थी, यहाँ तक कि उनके जहर से सांप भी मर सकता था। विष कन्या का पहचान करना काफ़ी मुश्किल होता था क्योंकि नॉर्मली इनमें और एक साधारण इंसान में कोई भी फर्क नहीं होता था। इन्हें सिर्फ जहरीला ही नहीं बनाया जाता था बल्कि हर तरह की ट्रेनिंग इन्हें दी जाती थी, जैसे संगीत, नृत्य और शस्त्र विद्या। हर तरह की कला में उन्हें माहिर बनाया जाता था। दरअसल पुराने समय में किसी शत्रु को ख़त्म करने के लिए नए तरीके अपनाए जाते थे और ऐसे सिचुएशन में उस समय के राजा महाराजा अपने शत्रु राजाओं को हराने के लिए विष कन्या बनाते थे। वो विष कन्या इतनी जहरीली होती थी कि उनके शरीर को छूने मात्र से ही मौत हो जाती थी, क्योंकि विष कन्या का पूरा शरीर विषैला होता था, यहाँ तक कि उनका खून और पसीना भी जहरीला होता था। इंसान को जहरीला बनाने की इस पूरी प्रक्रिया को मिथ्रिडाटिज्म नाम से जाना जाता है। दरअसल पोंटस और आर्मेनिया के राजा थे मिथ्रिडेट्स, उनके पिता को जहर देकर मार दिया गया था, जिसकी वजह से राजा मिथ्रिडेट्स काफ़ी डर गया और भविष्य में उसके साथ कुछ ऐसा ना हो इसके लिए वो रोज़ खुद थोड़ा थोड़ा जहर खाता था ताकि उसकी मौत ना हो, और इसी के नाम पे ये मिथ्रिडाटिज्म शब्द बना। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री कहा जाता है कि कौटिल्य शास्त्र के रचयिता चाणक्य ने कई बार मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की जान बचाई थी, जिसमें कुछ हमले विष कन्याओं द्वारा भी किए गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य को मारने के लिए नंदवंश के तत्कालीन सम्राट धनानंद ने उनके पास विष कन्या को भेजा था, लेकिन आचार्य चाणक्य देखते ही समझ गए कि ये एक विष कन्या है और तब चाणक्य ने उस विष कन्या को राजा प्रवर्तक के पास भेज दिया। राजा प्रवर्तक चंद्रगुप्त मौर्य के साथी राजा थे। जैसे ही राजा प्रवर्तक ने विष कन्या का हाथ पकड़ा, उनके पूरे शरीर में विष फैल गया और उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को विष कन्या या फिर किसी भी विष के इफेक्ट से बचाने के लिए उनके खाने में स्मॉल क्वांटिटी में जहर मिलाना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि एक दिन चंद्रगुप्त की पत्नी ने उनकी थाली से एक निवाला खा लिया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। हालांकि उस समय वो गर्भवती थी, इसलिए चाणक्य ने उनके बच्चे को पहले बचा लिया था। उस जहर से वो बच्चा बच तो गया, लेकिन उसके माथे पर एक नीला निशान बन गया था और इसलिए चंद्रगुप्त ने उनका नाम बिंदुसार रख दिया, जो आगे चलकर राज्य विस्तार और जैन धर्म के प्रचार के लिए प्रसिद्ध हुए। ये भी कहा जाता है कि ग्रीक राजा सिकंदर जब दुनिया जीतने के लिए निकला था तो उसके गुरु अरस्तु ने उसे भारत की विष कन्याओं के बारे में बताया था, लेकिन उसके बावजूद भी सिकंदर विष कन्या के संपर्क में आया और मारा गया। फिलहाल ये सब पहले के समय में होता था, अब धीरे धीरे विष कन्याएं बननी बंद हो गई हैं क्योंकि इससे कई बच्चियों की जान भी जाती थी जिनका शरीर उस पॉइजन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता था। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे विष कन्या की पूरी मिस्ट्री। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।